नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपी न्यूज लाइव 24 यूट्यूब चैनल पर। न्यूज के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। समाजवादी पार्टी के पश्चिम उत्तर प्रदेश में मजबूत नेता माने जाने वाले नाई दर्शन की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। शामली से समाजवादी पार्टी के खैरा विधायक नाई दर्शन को धोखाधड़ी के मामले में जेल भेज दिया गया है। कड़ी सुरक्षा के बीच विधायक कोर्ट से 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजे गए हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के विधायक की जमानत खारिज कर दी। इसके बाद नाई दर्शन को जेल भेजा गया है। जमीन के बेनामे में धोखाधड़ी के मामले में नाई दर्शन आज फास्ट ट्रैक कोर्ट में पेश हुए थे। नाहिद को इलाहाबाद हाई कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली थी। इनके खिलाफ जमीन की खरीद फरोख्त में लाखों की धोखाधड़ी का मामला चल रहा था। इनको लेकर हफ्ते पहले ही अंतरिम जमानत मिली थी। इसके बाद अस्थाई जमानत के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। इसमें कैराना के समाजवादी पार्टी विधायक नाई दर्शन को जेल भेज दिया गया है। इस मामले में सपा विधायक को अंतरिम जमानत मिलने पर नाई दर्शन ने कहा था कि यह न्याय की जीत हुई है। इस मामले में सपा विधायक नाई दर्शन के खिलाफ कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट भी जारी हुआ था। आगे भी न्यूज़ के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके।